Hi guys, welcome to Real Car and Facts. कैसे आप सब? Guys, Tata ने recent time में बहुत ही अच्छा नाम बना लिया है Indian automobile market में. इसके कई products तो ऐसे हैं जो काफी लंबे time से अपने segment को rule कर रहे हैं, like Tata Nexon, Tata Punch. Tata जहाँ जाना जाता है अपनी safety और अपने comfort के लिए, जो कि एक बहुत ही important point बन गया है Indian customer के लिए कोई भी गाड़ी choose करने से. जहाँ Tata की सारी गाड़ियाँ अच्छा perform कर रही हैं in terms of sale, वहीं Tata के पास एक ऐसी भी कार है जो काफी underrated कार है. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा टिगोर की. तो आइए जानते हैं कुछ इस कार के बारे में. सबसे पहले बात करें टाटा टिगोर के प्राइस की, तो टाटा टिगोर के प्राइस स्टार्ट होते हैं 6.10 लाख टू 8.84 लाख एक्स शोरूम. एंड बिलीव अस गाइस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार इन दिस प्राइस रेंज. अगर बात करें इसके डिजाइन की, तो फ्रंट से स्टाइल ऑफ टिगोर इज वेरी मच सिमिलर टू टाटा टियागो. इसकी हेडलाइट्स की बात करें तो इसमें आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है, हैलोजन फॉग लैम्प मिल जाता है, फ्रंट ग्रिल काफी प्रीमियम लगती है इस कार की. इंजन की बात करें तो इसमें आपको सेम इंजन मिलता है जो टियागो में मिलता है. इसमें आपको 1.3 लीटर का पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 86 bhp की पावर और 113 nm का टॉर्क. एंड इट्स कम्स विद 4 स्टार एनकैप रेटिंग, जो कि इस कार का प्लस पॉइंट है. अगर बात करें इसकी माइलेज की, तो ये कार आपको पेट्रोल में 19.5 एंड सीएनजी में 26.49 का माइलेज ऑफर करती है. साइड प्रोफाइल से भी ये कार बहुत अच्छी लगती है. इसमें आपको 15 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं. इसमें आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है. रियर प्रोफाइल से भी कार बहुत ही अच्छी लगती है. इट्स कम्स विद पार्शियल LED यूनिट विद रियर पार्किंग सेंसर एंड कैमरा. बूट में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है. बूट साइज की बात करें तो आपको 499 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बूट स्पेस है इस सेगमेंट की कार्स में. इसमें आपको 170 nm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है. बात करते हैं इसके इंटीरियर की. इसमें आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, बट बिल्ड क्वालिटी इज रियली वेरी गुड. इसमें आपको ड्यूल टोन इंटीरियर मिल जाता है, जो कि काफी प्रीमियम लुक देता है इस कार को. इसमें आपको हरमन का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है विथ 4 स्पीकर एंड 4 ट्विटर, जो कार की म्यूजिक क्वालिटी को काफी इन्हांस कर देता है. अगर बात करें इस कार के सीटिंग कंफर्ट की, तो इसमें आपको फ्रंट सीट के साथ साथ रियर सीट में भी काफी कंफर्ट मिलता है. कार की हैंडलिंग काफी अच्छी है. तेज स्पीड एंड कर्वी रोड्स पर भी ये अच्छी तरह से हैंडल हो जाती है. कार सस्पेंशन भी बहुत अच्छी तरह से ट्यून किए गए हैं इस कार में. इतनी सब क्वालिटीज के बाद भी ये एक अंडररेटेड कार है इन टर्म्स ऑफ सेल. अगर इसकी सेल्स फिगर की बात करें, तो इस कार की अक्टूबर मंथ की सेल्स है 4001 यूनिट, जो कि इसकी कॉम्पिटिटर्स कार्स लाइक मारुति डिजायर एंड होंडा से काफी कम है. अमेज की अक्टूबर मंथ की सेल की बात करें, तो अमेज की अक्टूबर मंथ की सेल है 5443 यूनिट्स. एंड वहीं मारुति डिजायर की अगर अक्टूबर सेल्स मंथ की बात करें, तो इस कार की 12321 यूनिट्स बिकी हैं. तो आपको क्या लगता है गाइस, क्या टाटा टिगोर सच में एक अंडररेटेड कार है? एंड क्या टाटा को इसको दोबारा एक फेसलिफ्ट के साथ मार्केट में लॉन्च करना चाहिए? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें.